हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट इज ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स दिस इज पार्ट टू ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सब्जेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी टी क्या है और क्या क्या उसके की फीचर्स हैं ये पार्ट टू है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मैनेजेस एंड फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन आर डिस्क्रीट बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल्स परचेज पेमेंट रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन एंड मोड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को टीपीएस भी कहा जाता है ये एक टाइप है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कि मैनेज करता है फैसिलिटेट करता है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टीपीएस इज डिजाइन टू हैंडल दिस ट्रांजेक्शन जो टीपीएस है वो डिजाइन करा जाता है इनको हैंडल करने के लिए इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम एंश्योर द एंड एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन जिसकी हेल्प से इफिशियंट और एक्यूरेट जो है एग्जीक्यूशन हो सके डे टू डे बिजनेस का की फीचर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की क्या क्या है की फीचर्स क्या है नंबर वन डेटा कैप्चर नेक्स्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग जो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है नेक्स्ट है डेटा वेलिडेशन नेक्स्ट कंकरेंसी कंट्रोल डेटा स्टोरेज रिकवरी एंड बैकअप सिक्योरिटी रिपोर्टिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ये सभी की फीचर्स हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या चीज होते हैं ये डेटा कलेक्शन नंबर वन है ये हमारा टीपीएस कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग सेंसर ऑनलाइन फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ट्रांजेक्शन कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कहां से of से. इसमें होता है सेंसर ऑनलाइन फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भी इंक्लूड होता है और अदर डेटा एंट्री सिस्टम जहाँ से डेटा कलेक्ट करा जाता है ये जो डेटा है रिप्रेजेंट करता है डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एच दे अक्कर जिस तरीके से वो ट्रांजेक्शन हुए उनकी सभी की जो है डिटेल उसमें होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग वन ऑफ द क्रिटिकल फीचर ऑफ इज इट्स प्रोसेस ट्रांजेक्शन इमीडिएटली आफ्टर दे हैपन जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है ये बहुत ही क्रिटिकल फीचर है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का ये जो है इसकी एबिलिटी है प्रोसेस करने की कि ट्रांजेक्शन जो है इमीडिएटली जब हो जब ही हाथ के हाथ जो है वो प्रोसेस हो जाए रियल टाइम प्रोसेसिंग गारंटी दैट डेटा इज एक्यूरेट जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है ये गारंटी देता है कि डेटा जो है एक्यूरेट है और दैट इज इमीडिएटली एक्सेसिबल जो डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट है आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं एडिशनल प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए वैलिडेशन ऑफ डेटा टीपीएस वैलिडेट्स द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड टू मेक श्योर इट इज एक्यूरेट एंड कम्प्लीट जो टीपीएस है वैलीडेट करता है डेटा को जो कि कलेक्ट करा जाता है मेक श्योर sure करता है कि ये जो है एक्यूरेट है और कम्प्लीट है वैलिडेशन डेटा हेल्प प्रिवेंट एरर जो वैलिडेशन डेटा है ये हेल्प करता है प्रेवेंट एरर्स और इनकन्सिस्टेंसी फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम किसी भी तरह की एरर इनकन्सिस्टेंसी एंटर नहीं हो पाए सिस्टम में ये जो है वैलिडेशन ऑफ डेटा में ध्यान रखा जाता है सी डू टू दिलिटीफिकेशन मैनींसी कंट्रोल मैथड जो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये यूज करता है कंकरेंसी कंट्रोल मैथड का इसलिए मैनेज करने के लिए जो हमारे कंकरेंट डेटा एक्सेस और मोडिफिकेशन अटेम्प्ट होते हैं कहाँ से फ्रॉम मेनी यूजर्स और प्रोसेस है ये जो है गारंटी देता है डेटा कंसिस्टेंसी और उसकी इंटीग्रिटी थ्रू आउट कंकरेंट ऑपरेशन पूरे ऑपरेशन में उसकी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी की यह गारंटी देता है डेटा स्टोरेज टीपीएस स्टोर ट्रांजेक्शनल डेटा इन डेटा बेसिस स्पेशली ऑप्टीमाइज फॉर क्विक एंड रिलास द डेटा इज यूजली ऑर्गेनाइज इन इंडेक्सड To facilitate rapid retrieval, recovery and backup. To ensure data durability and integrity, TPS typically include backup and recovery mechanisms. These measures help in restoring data to a consistent state in case of system failure, error. और डिजास्टर जो हमारे रिकवरी और बैकअप है इसमें एंश्योर होता है कि जो डेटा की ड्यूरेबिलिटी इंटीग्रिटी है और कभी भी कोई तरीके की दिक्कत आती है फेलियर होता है सिस्टम फेलियर होता है कोई एरर आती है या किसी तरीके का डिजास्टर होता है तो आपका जो डेटा है वो जो है रिस्टोर कर लिया जाएगा और टू ए कंसिस्टेंट में सिक्योरिटी गिवन दैट टीपीएस डील्स विद सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा सिक्योरिटी मेजर्स आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस मॉडिफिकेशन और डिस्कलोज जो सिक्योरिटी है ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डील करता है सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा सिक्योरिटी मेजर्स जो है एसेंशियल है प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को किस चीज से अनऑथोराइज एक्सेस अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन और डिस्कलोजर से रिपोर्टिंग टीपीएस ऑफ टन जेनरेट रिपोर्ट एंड आउटपुट दैट

फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्री स्टेटस और अदर फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैच प्रोसेसिंग वाइल टीपीएस मेनली फोकसेस ऑन रियल टाइम और नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग सम सिस्टम एम्प्लॉय बैच प्रोसेसिंग फॉर टास्क दैट डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन इन बैच प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन आर कलेक्टेड ओवर ए पीरियड एंड प्रोसेस टूगेदर एज ए ग्रुप बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है जब टीपीएस जो है मेनली फोकस करता है रियल टाइम और नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग जो कुछ सिस्टम है सम सिस्टम एम्प्लॉय जो कुछ सिस्टम है वो एम्प्लॉय करते हैं बैच प्रोसेसिंग लिए टास्क के लिए जिनको रिक्वायर नहीं होता है इमीडिएट अटेंशन का तो उसमें क्या है ट्रांजेक्शन को कलेक्ट कराया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और प्रोसेस कराया जाता है उन सभी को एक साथ एक ग्रुप में ये होता है बैच प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली इन बिजनेस दैट डील विद हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है एक फंडामेंटल कंपोनेंट किसका ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सिस्टम का इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्टिकुलरली इन बिजनेस जो कि डील करता है हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम डेली ऑपरेशंस आर सपोर्टेड इनवेंट्री इज मैनेज्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर ट्रैक्ट एंड इट प्रोवाइड क्रूशल इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग एंड डिसन मेकिंग जो डेली ऑपरेशन है ये सपोर्ट करता है इन्वेंट्री को मैनेज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करा जाता है और ये प्रोवाइड कराता है इम्पोर्टेंट क्रूशल इंफॉर्मेशन किस लिए रिपोर्टिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल इन ए रिटेल सेटिंग ए पॉइंट ऑफ सेल पी ओ एस सिस्टम इज एक कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट्रिक कोड सेल्स ट्रांजेक्शन एट टाइम ऑफ परचेज एंड अपडेट इन्वेंट्री लेवल इन रियल टाइम आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा की ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या की फीचर्स है फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का इस सीरीज में हमारी फोर्टीन वीडियोस आप एक बार सभी को जरूर चेक करें इसी तरह के और विडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन की पी डी एफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम